नमस्ते दोस्तों, हाल ही में रेलवे द्वारा 15 दिसंबर से RRB NTPC परीक्षा निर्धारित की गई थी, जिसको सुनकर सभी विद्यार्थी बहुत प्रसन्न थे। सब लोग पूरे मन से परीक्षा की तैयारी में लग गए थे। दोस्तों, ऐसे में एक खबर निकल कर सामने आ रही है जो बहुत वायरल भी हो रहा है। खबर आप लोगों के सामने है। अखबार का एक कटिंग है जिसमें यह लिखा गया है कि रेलवे में 15 दिसंबर से होने वाली परीक्षा रद्द, एजेंसी ने खड़े किए हाथ। दोस्तों, यह खबर पढ़कर बहुत से विद्यार्थी निराश हो जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब हमारा करियर बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो आप लोग पागल न बनिए, खबर सही है अथवा नहीं उसको पहले देखिए। मेरे पास भी जब यह मैसेज आया तो मुझे बहुत खराब लगा, परंतु जब मैंने इसके बारे में हर जगह सर्च किया तो पाया कि यह मैसेज फेक है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, पहले तो अखबार ऐसे नहीं होता। यह जो मोटे हेडलाइन में लिखा गया है वह एडिटिंग है, क्योंकि इतना ज़्यादा डार्क दिख रहा है। यहाँ पर रद्द गलत लिखा गया है और रद्द के बाद कामा अथवा कुछ दो ऐसे बिंदु होना चाहिए, और नीचे हेडलाइन से संबंधित कोई बात ही नहीं है। इसमें तो 15 दिसंबर के बाद परीक्षा होने की बात कही गई है। यह मैसेज किसी ने एडिट करके लोगों में फैलाया है और यह पूरी तरह फेक न्यूज है। यह लोगों को बहकाने एवं उनको परेशान करने के लिए उड़ाई गई अफवाह है। इस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें ताकि परीक्षा में आपको सफलता मिल सके। यह मैसेज सभी लोगों को शेयर करके सावधान करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक आसानी से समय समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।